हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ब्लॉग। मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ यार स्टोरेज के लिए। अगर आप भी हैं एक्स्ट्रा सामान से परेशान, तो आपने जैसे आप फ्लैट में रहते हैं, तो आप फ्लैट में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास स्टोरेज के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा सामान है तो उसका स्टोरेज करने के लिए हमें ये होता है कि यार कहाँ रखें कहाँ रखें। और क्योंकि घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एक स्टोर रूम बना लेते हैं और उसमें अपना स्टोर कर देते हैं, लेकिन ये फ्लैट में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हम भी अब कुछ टाइम पहले ही फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। पहले एक्चुअली घर में तो एक स्टोर रूम था। तो फ्लैट के लिए मैं आपको एक एडवाइस कर रही हूँ, आप बालकनी में ऐसे सामान रख देंगे तो वो जैसे ही बारिश आएगी भीग जाएगा, या फिर वैसे भी जैसे आपने रख दिया तो गंदा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। आपने कोई भी सामान रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद कहीं ना कहीं वो हो जाता है ऐसा। और एक कबूतर या फिर इनका भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार ये गंदे कर देते हैं। और साफ़ सुथरी बालकनी जब नहीं होती तो फिर बहुत ही ये लगता है कि कैसी यार, सफाई करने में भी प्रॉब्लम होती है जब अगर सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताऊँगी स्टोरेज। ये देखो हमने बनवाया है 4 फीट लंबा स्टोरेज। आप भी अगर ऐसे फ्लैट में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं और ये चाहते हैं कि यार एक्स्ट्रा सामान तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं, हर घर में ये चीज़ें आती हैं सामने, तो आप एक्स्ट्रा सामान के लिए बालकनी का साइज लेके ऐसे जगह पे जहाँ पे आप उसको एक रख भी सकते हैं बालकनी में, और वो आपको डिफ़िकल्ट ऐसा भी ना लगे कि यार ज़्यादा सामान ले रहे ज़्यादा जगह घेर रहा है सामान कह रही हूँ सॉरी। तो ये है ना हमने बनवाया है 4 फीट लंबा, और नीचे देखो इसके पैर ऐसा लगवाए हैं इसके से झाड़ू पोछा जैसे भी हमने करना हो, बालकनी धोनी हो पानी डाल के तो वैसे भी कर सकते हैं। और ये वाइट कलर में हमने एक्चुअली, वाइट कलर बहुत ही अच्छा लगता है एक तो, और ये प्लाईवुड है ना ऐसा है, थोड़ा सा कपड़ा मारो साफ़ हो जाता है। और ये देखो मैं दिखाती हूँ, जितनी हमारी बालकनी है इतना ही चौड़ा है। और इसकी है ना एक चीज़ और ध्यान रखना, इसकी हमने मतलब ये जो चौड़ाई है ना ये हमने कम रखवाई है, क्योंकि हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने उतनी करवाई है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप करवा सकते हैं। ये देखो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें देख मैं आपको दिखाती हूँ कितना सामान हमारा आया हुआ है जो कि हम कभी कभार यूज करते हैं, लाइटें फोल्डिंग्स टूल किट और वगैरह वगैरह। ये देखो वायर्स वगैरह, और जो हमने नया लिया तो उस टाइम काफ़ी चीज़ें बच भी गई थी तो वो भी इसमें स्टोरेज के रखी हैं। और 2 फोल्डिंग, इसमें 3 फोल्डिंग आ जाते हैं वैसे, तो कोई गेस्ट आया तो हम फोल्डिंग का यूज कर ले सकते हैं निकाल के, और जब मेहमान चले गए तो इसको इसमें ढाल दो, बहुत ही आसान है ना, नहीं तो पड़े रहेंगे वो कहाँ पे रखे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि हर रूम में आप बेड बनवा ही लेते हैं डबल बेड, तो बाकी स्पेस ही नहीं होता हॉल में अपना। ठीक है कोई आए तब फोल्डिंग डालो और जाए तब इसमें स्टोर कर दो। तो ये काफ़ी अच्छी लुक भी देगा घर की और बालकनी की भी, और बिखरा बिखरा आपको दिखाई नहीं देगा कोई भी सामान स्टोरेज के लिए। क्योंकि अगर आप रूम में ही बनवा लोगे इसके लिए कबर्ड, तो रूम में यार स्पेस कम हो जाता है कबर्ड की वजह से। बहुत ज़्यादा अगर हमने कबर्ड बनवा ली तो काफ़ी छोटा सा रूम दिखने लग जाता है, तो ये बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको भी ये एडवाइस अच्छी लगी हो तो आप भी यूज कर सकते हैं। मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।